नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ के पांच शानदार पर्यटन स्थलों की सैर पर, जिन्हें मानसून में घूमना बेहद खास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को और जानते हैं इन खूबसूरत जगहों के बारे में जो आपको मानसून में एक अद्भुत अनुभव देंगे। तीरथगढ़ वॉटरफॉल काफी प्रसिद्ध है और खासकर यहाँ समर डे में बड़ी संख्या में पर्यटकों की मौजूदगी रहती है। यहाँ बने वुड के सरकारी रिजॉर्ट शिमला के रिसोर्ट से कम नहीं लगते। यही वजह है कि तीरथगढ़ में गर्मी के दिनों में भी ठंड का एहसास होता है। इसके अलावा बस्तानार में मौजूद मिचनार काफी प्रसिद्ध है। ये पर्यटन स्थल ऊंची जगह पर होने के चलते यहाँ बस्तर से घने जंगलों की खूबसूरती और वादियाँ काफी खूबसूरत दिखाई देती है। वहीं यहाँ पर्यटकों के ठहरने के लिए नाइट टेंट का भी इंतजाम किया गया है। शाम होते ही यहाँ ठंडी हवा चलने से पर्यटक इस जगह को फील करने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। चिरमिरी छत्तीसगढ़ में स्थित किसी बेहतरीन और अद्भुत हिल स्टेशन का नाम लिया जाता है तो चिरमिरी हिल स्टेशन का नाम जरूर लिया जाता है। असीम खूबसूरती से भरपूर यह हिल स्टेशन छोटे बड़े पहाड़ों के साथ साथ घने जंगल, झरने और हरियाली के लिए काफी फेमस माना जाता है। चिरमिरी एक ऐसा हिल स्टेशन है जो मानसून के समय बेहद ही मनमोहक लगता है। मानसून के समय यह हिल स्टेशन बादलों से ढक जाता है। चिरमिरी के किनारे स्थित गांव को भी एक्सप्लोर करना न भूलें। चिरमिरी के पहाड़ों में स्थित अमृतधारा, अकुरी नाला, रमाधा जैसे झरने को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चित्रकूट वाटरफॉल्स मानसून में जब किसी अद्भुत जगह घूमने की बात होती है तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित चित्रकूट वाटरफॉल्स का नाम जरूर लिया जाता है। यह पूरे राज्य का सबसे लोकप्रिय और चर्चित स्थान है। छोटे बड़े पहाड़, घने जंगल और हर तरफ मौजूद हरियाली इस वाटरफॉल की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करते हैं। मानसून में इसके लुभावने दृश्य किसी को भी दीवाना बना सकते हैं। सूर्यास्त के समय यहाँ सैलानियों की सबसे अधिक भीड़ मौजूद रहती है। वाटरफॉल के आसपास ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। दंतेवाड़ा जिले का ढोलकल ढोलकल काफी प्रसिद्ध है। ढोलकल की खासियत ये है कि यहाँ पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर 13वीं शताब्दी का भगवान गणेश का मूर्ति स्थापित है। घने जंगलों के बीच होकर ऊंची पहाड़ियां में चढ़कर पर्यटक यहाँ भगवान के दर्शन करते हैं। आसपास हरी भरी वादियां होने की वजह से इसके नीचे अब नाइट कैंपिंग की भी शुरुआत की गई है, जहां पर्यटकों को पूरी तरह से ट्रेडिशनल फूड परोसा जाता है। साथ ही सुबह, दोपहर हो या शाम, यहाँ ऊंची जगह होने की वजह से ठंडी हवा चलती है। इस वजह से गर्मी की छुट्टियों में बड़ी संख्या में पर्यटक ढोलकल के पर्वत में भी घूमने आते हैं। इसके अलावा अन्य से पर्यटन स्थल है जो यहाँ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है और खासकर गर्मी छुट्टी मनाने आते हैं। टाटामारी पर्यटन स्थल कोंडागांव जिले के केशकाल में मौजूद टाटामारी पर्यटन स्थल भी छत्तीसगढ़ में काफी प्रसिद्ध है। टाटामारी पर्यटन स्थल साल के 12 महीने पर्यटकों से गुलजार रहता है। हिल स्टेशन होने की वजह से यहाँ पर्यटक खासकर गर्मी के मौसम में ज्यादा पहुँचते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए सरकारी रिसोर्ट वुड के कॉटेज और आसपास की हरी भरी वादियां यहाँ के पर्यटकों को खूब भाती है। यही वजह है कि टाटामारी पर्यटन स्थल को हाल ही में 5 करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किया गया है। गर्मी की छुट्टियों में पर्यटकों के लिए एडवेंचर्स की भी शुरुआत की गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।